हेलो गाइस, मैं वैशाली सोन घुसरे मैं आपके सामने ऐसे हंसती बोलती कर नजर आ रही हूँ। ये जो है योगा का प्रताप है। बहुत सारे डॉक्टर्स की दवाई ली, मुझे कोई फेर नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा चलना चलना, इतना चलने से तो पैर में वजन मेरा इतना था कि ज्यादा चलती तो मुझे ज्यादा पेन होता। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार डांस क्लास चालू करे, तो थोड़े दिन वहाँ पे गई, लेकिन वो मेरा बॉडी वेट इतना ज्यादा था और फिर मुझे वायु मतलब घूमता हुआ बोलते है ना, इतना परेशान कर रहा था। तो हमारे सर ने बोला कि मैम आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप योगा ज्वाइन करो। योगा ज्वाइन करा उसके महीने भर बाद तो आहा ऐसी फुर्ती आ गई मुझमें कि सब काम घर के भी अच्छे से होने लगे, दवाइयां भी बंद हो गई और इतनी फुर्ती और चेहरे पे ऐसी ताजगी, सब मेरे को पूछने लगे कि कहाँ जाते हो, क्या करते हो। और वेट लॉस भी हो गया मेरा, यानी आधा किलो ऐसे करते करते 6 महीने में तो 5 किलो जैसा तो कम हो गया। मेरी सारी दवाइयां बंद हो गई। आज 2-3 दिन पहले ही मैंने अभी रिपोर्ट निकाली, पूरी बॉडी की रिपोर्ट सब नॉर्मल। कल थायराइड की रिपोर्ट आ जाएगी, वो भी नॉर्मल आएगी। भगवान से प्रार्थना करती हूँ वो भी नॉर्मल होगी। यानी योगा माना एक अमृत है जीवन के लिए, तो योगा करना बहुत जरूरी है। आप में इतनी पावर है कि आपको दवा लेने की कोई जरूरत ही नहीं। आगे बढ़ो जिंदगी में, खुद सीखो औरों को भी सिखाओ, ये उनका कहना है। और वो आप उनको देखे ना तो वो लगते नहीं है कि इतनी उम्र है, उनको 3-3 बच्चे, इतने बेटे बहू, उनको लगते नहीं। उनको देखते से अपने को ऐसा होता है कि नहीं, अपने को अगर बनना है तो उनके जैसा बनना है। और दुबले पतले से, नाजुक से, एक छोटी सी गुड़िया जैसे लगते हैं, है एज वाले, लेकिन लगते ही नहीं है वो। तो अगर योगा से उनको इतना बेनिफिट है तो हम तो और उनके जैसा बन सकते हैं ना। और वो लोग रहते ऐसे हैं कि जैसे कोई फ्रेंड सर्कल हो, सबको हाई फाई करेंगे, कैसे हो, हाय, मजे में हो, ऐसा लगेगा ही नहीं कि टीचर है, डांटते। और जैसे बड़ी उम्र वाले को तो और बेनिफिट है कोई कुछ बोलता ही नहीं है, लेकिन जब सिखाने में आते हैं ना तो एक चीज अगर नहीं आएगी उसको 100 बार करो, 200 बार करो, लेकिन आना जरूर चाहिए। इसलिए उनकी जो मेहनत है वाकई में वो रंग लाती है। और भगवान करे वो हमेशा आगे जाए और पूरे अहमदाबाद में हर गली हर कोने में उनकी एकेडमी खोल। तो मेरा ये मैसेज है कि योगा तो जब तक अपने को मौत नहीं आती ना तब तक करना है। उससे अपनी आयु भी बढ़ती है, शक्ति मिलती है, अच्छी सोच मिलती है। कम से कम 1 घंटा तो अपन अपने लिए निकाल सकते हैं। मैं जितना टेंशन लेती थी वो टेंशन भी कम हो गया है। उनके बारे में बोलना यानी ऐसा लगता है कि वाकई में हमारे लिए वो एक भगवान का दिया हुआ एक प्रसाद है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं दुनिया में, है ना। सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोग बैठे हैं, लेकिन ये तो सब स्टूडेंट्स को अपने बच्चे सरीका, यहाँ तक कि अगर कोई आता नहीं है ना तुरंत फोन करते हैं। और ऐसा नहीं कि 8:30 से 9:30, 9:30 बजे कि लोगों के से कि चलो शटल बंद चले जाओ अपना टाइम हो गया, यहाँ तो 9:30 से 9:45 हो जाते, 10 बज जाते तो भी ऐसा नहीं बोलते हैं कि जाओ अपने घर। इन लोगों का सिखाने का तरीका बहुत अच्छा। सर मैम, उनके बच्चे भी उनके जैसे ही है, लेकिन नाम कमाने के साथ साथ वो है ना दुआएं भी कमाते हैं। ऐसा नहीं कि चलो जाओ टाइम हो गया, इतना प्यार से जब मूड नहीं हो तो खाना भी खिलाते हैं। मैम तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना के लाती है और हम तो एंजॉय करते हैं, यहाँ तक कि इतनी अच्छी रेसिपी भी हमको सिखाते हैं। बहुत नसीब वाले हैं कि बहुत पास में है, मेरा घर दूसरा लेना है, लेकिन मुझे और किसी चीज की टेंशन नहीं है। इस बात की टेंशन है कि कहाँ लेंगे, तो मैं वहां से यहाँ कैसे आ पाऊंगी। इसलिए हमारा तो ये भी एक बेनिफिट है कि हमारे घर के पास में ही है। हालांकि 2-3 साल हम चल के आते थे, देखते थे कि हाँ भाई क्लास बन रही है, जाना चाहिए, पर शर्म आती थी क्योंकि इतनी बड़ी उम्र हो गई है तो कैसे जाए। पर नहीं, वहां पे डांस के लिए कोई एज लिमिट है ही नहीं, सीखो जिसको जो सीखना है सीखो। और योग में भी ऐसा है, योग में भी उम्र का कोई नहीं। जो लूले लंगड़े जैसे आते हैं ना, ऐसे लोग आते हैं लकड़ियां ले लेके टेक टेक के आते हैं और लकड़ी वहीं छोड़ देते हैं और ऐसे पैरों से जाते हैं। एडवांस एकेडमी को बहुत बहुत थैंक यू।